अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तलहा जलील खान और आज का हमारा टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट्स का होगा। आज बात होगी प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स के बारे में, ठीक है जी। ये टॉपिक पीटीबी की बुक से लिया गया है और ये पार्ट वन पार्ट टू दोनों के कंपेरिजन को पढ़ा गया। इसके अलावा थोड़ा बहुत नॉलेज और भी इसके बारे में दिया जाएगा। ज़्यादातर ये टॉपिक एंटी टेस्ट को हिट करेगा, ठीक है, और एमटी कैट के लिए बड़ा अहम टॉपिक माना जाता है। तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। तो कैरेक्टर्स मैंने लिख दिए हैं, उन्हीं की बेसिस में डिफरेंस करूँगा। 15 डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं, दो मैं और पढ़ाऊँगा इनके साथ। टोटल 17 डिफरेंसेस मैं आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहला डिफरेंस मैं डिस्कस करूँगा साइज का। प्रोकैरियोटिक सेल आमतौर पे स्मॉल होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल आमतौर पे लार्ज होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हमारे पास एक बैक्टीरिया मिला फिशल सोनी, इसका जिक्र हमारे पीटीबी के बुक में मौजूद है। इस बैक्टीरिया को देखा गया तो इसका साइज तकरीबन 600 माइक्रोमीटर मिला, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। आमतौर पे एक एवरेज यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन जरूर है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन आमतौर पे प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉल होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट करैक्टर है वो है न्यूक्लियस। हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता होगा कि अगर इसको हम एक बैक्टीरिया मानते हैं तो इसके पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि एक यूकैरियोटिक सेल के दरमियान में आपने पढ़ा एक न्यूक्लियस होता है, आपका सेल है, और जो प्लांट सेल है उसके दरमियान में वैक्यूम पर साइड में न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में आमतौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती। न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती मतलब न्यूक्लियस के अंदर की चीजें होती हैं। इसी बात पर अगली बात बनी डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोट का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। साइज ऑफ डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए का साइज बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल का डीएनए लीनियर होता है। आपने पढ़ा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरह लीनियर होता है। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, हमने पढ़ा है कि हमारे पास इस तरह करके प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए अपने आप को ऐसे करके कॉइल करता है, डीएनए अपने आप को कॉइल करता है और न्यूक्लियोसोम बनाता है, और इसी तरह के न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं डीएनए के साथ मिलकर। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, यूकैरियोट्स में ये होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक बात है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए के पास स्टोन लाइक प्रोटीन होते हैं, तो उनके हम क्रोमोसोम को क्रोमाटिड या क्रोमाटिन की क्राइटेरिया में ला सकते हैं इस लिहाज से, उनके पास स्टोन लाइक प्रोटीन होते हैं, स्टोन भी होते हैं प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में तो होते हैं। फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी, वैक्यूल, लाइसोसोम, दीज आर ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये तब सब चीजें सेल में मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में ये तमाम चीजें मौजूद है और अपना काम कर रही है। राइबोसोम दोनों में होता है, लेकिन फर्क क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70 स्वेडबर्ग का होता है। स्वेडबर्ग एक यूनिट है जिसमें सेलुलर कंपार्टमेंट्स को मैयर किया जाता है, सेल की चीजों को मैयर किया जाता है। राइबोसोम में दो पार्ट्स होते हैं, एक लार्ज यूनिट एक स्मॉल यूनिट। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है उसकी 70 स्वेडबर्ग वैल्यू आती है, जबकि लार्ज की वैल्यू 50 और स्मॉल की वैल्यू 30 आती है। इनकी कंबाइंड वैल्यू 70 क्यों आती है, 80 क्यों नहीं, इसके बारे में मेरा एक वीडियो लेक्चर मौजूद है राइबोसोम के ऊपर। इसी तरह यूकैरियोटिक
80 स्क्वायर पर क्यूब, ठीक है। वंस अगेन 80 क्यों आती है इसके ऊपर ये मौजूद है हमारे पास वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं देखें, इको आर वन ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बैम H1 ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये एक ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो बैक्टीरिया में मिलते हैं और इन एंजाइम्स को आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं, मतलब हम इन एंजाइम्स की मदद से जीन को कट करते हैं और एक दूसरे डीएनए के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं इन एंजाइम्स की मदद से, इन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। ये नेचुरली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं ताकि वायरल डीएनए से बैक्टीरिया को बचा सके, अगर वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में आए ये उसे कट कर देते हैं, लेकिन ये एंजाइम्स बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज नहीं करते क्योंकि वो मिथाइल एंटीटी होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यू में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया है उसके पास एक अपना डीएनए मौजूद है जो उसके सेल को संभालता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, जैसे PSC101, PBR322 ये प्लाज्मिड्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया की हिफाजत करते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं अंदर, ये बैक्टीरिया की हिफाजत करते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं, प्लाज्मिड्स यूकैरियोट्स में नहीं होते, हमारे पास सिर्फ एक ही डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूम का कांसेप्ट। प्रोकैरियोटिक सेल में आमतौर पर गैस वैक्यूम मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूम्स मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूम मिलते हैं। सेल वॉल का डिफरेंस है जी, सेल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो आमतौर पर पेप्टाइडिक लाइकेन म्यूरिन की बनी होती है और इनकी अरेंजमेंट को सर्कुलस का नाम भी दिया गया है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल जिनके पास सेल वॉल है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, बाकियों के पास अमूमन है, वो बनी हुई है हमारे पास सेलुलोज और ज्यादातर काइटिन यूकैरियोटिक सेल। फिर सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस है, सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस ये है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोज एब्सेंट है, जबकि हमारे पास स्टीरोज प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है डिवीजन। हमने पढ़ा है कि बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिशन करता है, अपनी चीजों को रेप्लिकेट करके बीच में से डिवाइड हो जाता है, जबकि हमारा जो सेल है वो माइटोसिस और मियोसिस करता है। बैक्टीरियल सेल की जो जनरेशन टाइम है मतलब बाइनरी फिशन करने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं बस, जबकि हमारे माइटोसिस वगैरह करने के लिए तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं। ये भी डिफरेंस है जनरेशन टाइम का डिफरेंस है, बैक्टीरिया वगैरह 20 मिनट में अपने सेल को दोबारा पैदा करते हैं, जबकि हमें अपने सेल को दोबारा पैदा करवाने के लिए तकरीबन 24 घंटे लगते हैं, ये भी डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है फ्लैजेला। फ्लैजेला का डिफरेंस क्या है, बैक्टीरिया के पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है इस तरह, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर की मदद से बैक्टीरिया मूव करता है, लोकोमोट करता है, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। इस तरह का फ्लैजेला बैक्टीरिया में होता है। यूकैरियोटिक सेल में भी कई जगहों पर फ्लैजेला मिला है, फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, लेकिन वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बना हुआ था, उसमें प्रोटीन्स का डिफरेंस है। हमारे स्पर्म सेल्स के अंदर देखने में आया फ्लैजेला, लेकिन वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वगैरह के अंदर देखने में आता है, लेकिन फ्लैजेलिन प्रोटीन वाले फ्लैजेला की बात करें तो वो प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है। यूकैरियोट में फ्लैजेलिन वाला, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हम फ्लैजेलिन वाले फ्लैजेला की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोकैरियोट में हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास ट्यूबुलिन वाला मौजूद है, वी हैव प्रेजेंट, वी हैव फ्लैजेला प्रेजेंट, प्रेजेंट फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन आवर सेल मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन, ठीक है। तो ट्यूबुलिन का कांसेप्ट हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल वाला का कांसेप्ट होता है हमारे फ्लैजेला। इसके अलावा हमारे सेल के पास सीडिया वगैरह भी मौजूद है, ठीक है, फॉर लोकोमोशन, तो ये भी एक डिफरेंस बन रहा है। प्रोकैरियोट्स की सारी शराइत को फॉलो करते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एनर्जी, जबकि यूकैरियोट की शराइत को पूरे करते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई और प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा की। एक और डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल एनवेलप, इसे कहते हैं या इसे कैप्सूल कहते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह के पास होती है, लेकिन हमारे सेल के पास ऐसी कोई कैप्सूल मौजूद नहीं होती। तो ये हमारे पास कुछ ज-
जनरल डिफरेंसेस से टोटल 17 डिफरेंसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, 15 ये लिखे हुए हैं और कुछ मैंने दो आपको जनरेशन टाइम और कैप्सूल वाला जनरली बता दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।